अस्सलाम वालेकुम, आज आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने लगी हूँ फूडाहोलिक के चैनल पे। आज की जो हमारी रेसिपी है उसका नाम है क्रीमी चना मसाला। उसके लिए मैंने एक ब्लेंडर के जार में 3 टोमेटोज ले लिए हैं, साथ में मैंने इसमें ऐड किए हैं 8 to 10 काजू, वो डाल के आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। जब ये ग्राइंड हो जाएंगे तो फिर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून, इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक, ये डाल के आपने इसको फ्राई कर लेना है बहुत अच्छी तरह। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसमें मैंने ऐड किया है टोमेटो एंड कैश्यू के जो हमने पेस्ट प्रिपेयर की है वो आपने ऐड कर देनी है और इसको आपने कवर करके कुक करना है। जब ये कुक हो जाएगी तो फिर इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने देगी मिर्च ऐड की है, साथ में मैंने इसमें हल्दी ऐड की है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून, क्यूमिन ऐड किया है 1 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून और थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको कुक कर लेना है। जब ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो फिर इसमें मैंने ऐड किए हैं 1/2 kg हैं मेरे चिक पीस, वो चिक पीस जो हैं मेरे बॉयल हैं और फ्रोज़न हैं, वो आपने ऐड करके इसको कवर करके कुक करना है कि थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं और मसाले में बहुत अच्छी तरह कुक हो जाए। फिर जब ये इसको आपने कवर करके कुक करना है इस टाइम पे। फिर जब ये कुक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी मेरे फ्रोज़न है तो आप 1 टोमेटो की पेस्ट बना के वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें टोमेटो केचप ऐड कर लीजिएगा, वो ऐड की है। साथ में मैंने इसमें ऐड किया है 1 लेमन। लेमन आपने एंड स्टेज पे जब आपने सर्व करना है ना इसको, तब आपने इसमें लेमन ऐड करना है। साथ में इसके ऊपर ऐड करना है कोरिएंडर, मैंने इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड की हैं और जिंजर जूलियन के साथ इसको सर्व किया है, गार्निश किया है। आप जैसे आपको अच्छा लगे इसको आप गार्निश करें, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप चावल के साथ भी ले सकते हैं और रोटी के साथ भी मज़ा आएगा। इसको आप जैसे आपको अच्छा लगे इसको ट्राई करें, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।